हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गुन्या डायरी। में आज मैं आपके लिए लाई हूँ बैंगन का एक ज़बरदस्त नाश्ता। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और पूरी रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंगन लिया है, यहाँ पे ये लंबा वाला बैंगन है। तो बैंगन मेरा आपको थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि ये कई दिन से रखा था। तो मैंने कहा आज चलो इसको भी कुछ बनाते हैं। तो इसको हम पहले इसको छील लेते हैं और इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं क्योंकि ये बैंगन बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है। तो इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और अब हम इसको आधा आधा कट कर लेंगे। तो इसकी पूंछ जो होती है ना, इसको हम नहीं कट करेंगे क्योंकि ये पीछे से जुड़ी रहेगी, तो इसको फ्राई करने में बहुत आसानी हो जाती है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो आगे से इसको हम लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे और पीछे से ये जुड़ा रहेगा। तो ये देखिए लंबे लंबे स्लाइस में इसको कट कर लें। तो ये देखिए ये कितना बढ़िया सा निकल के आ गया है, पीछे से जुड़ा है और आगे से ऐसे ऐसे लंबी लंबी कट लेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि अंदर देखिए काला पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून बेसन लिया है और 3 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून के करीब हमने काली मिर्च डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा ताकि घोल आपका बहुत पतला ना हो जाए। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रही हूँ और इसका अच्छा सा घोल तैयार कर रही हूँ। ये देखिए ये घोल मेरा तैयार हो गया है। तो अब हम बैंगन को अच्छे से इस पर कोटिंग कर लेंगे। इसके बीच बीच में जो हमने कट किया ना, उसके बीच बीच में भी अच्छे से हम इस बैटर की कोटिंग लगा देंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने कोटिंग कर दी है। इसी तरह हम सारे जो पीसेस हैं हमारे बैंगन के, उसमें सारे में हम इसकी कोटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसको इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। तो इससे बहुत अच्छा सा क्रिस्पी बन आ जाएगा। तो इसके बीच बीच में भी अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह हम सारे अपने जितने भी बैंगन के टुकड़े थे उसको सारे को हमने अच्छे से इसकी कोटिंग पे ऊपर कर लिया और 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है और अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा एक तरफ का हो गया है। तो अब हम इसको अच्छे से पलट देते हैं। तो देखिए पलटते समय जो हमने ये पूंछ छोड़ी थी ना, ये हमारी कितनी हेल्प कर रही है और इससे इसका लुक भी बहुत अच्छा आ गया है। तो अच्छे से इसको अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा स्नैक्स बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। आई होप आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। और मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।